नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल, देश को एकता के सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की रचना करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम का राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए जो कार्य किया है वह सराहनीय है। भारत माता की बोल जय बोलना है, मगर ऊपर वाले को भी बोलना है। मैंने देखा यहाँ से ऊपर से आवाज नहीं आ। भारत माता की वंदे वंदे राष्ट्रीय एकता दिवस मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा आयोजन इस कार्यक्रम का किया है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सिंह जी की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी की लड़ाई में अतुलनीय योगदान दिया है। अंग्रेज मानते थे कि हम चले गए तो भारत खंड हो जाएगा, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गृह मंत्री रहते रियासतों को विलय किया, जो सीधे से माने तो ठीक, नहीं तो उंगली टेढ़ी करके विलय के हस्ताक्षर कराए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कश्मीर मामले से सरदार पटेल को दूर रखा नहीं तो एक एक इंच कश्मीर भारत की होती। सरदार पटेल सचमुच में लौह पुरुष थे, कभी किसी के सामने झुके नहीं। इसीलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया, और ये बात सही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि बाकी रियासतों को देखे सरदार पटेल, लेकिन कश्मीर का मामला मैं आप जानते हैं, कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला किया, कश्मीर के राजा हरी सिंह जी ने शर्त किया था कम भारत में विलय करें। उस हमले के बाद भारत की फौजें वीरतापूर्वक लड़ रही थी, लगातार हम अपनी जमीन पाकिस्तानी कब्जे से छुड़ाते जा रहे हैं, लेकिन पंडित नेहरू जी ने अचानक युद्ध विराम कर दिया और जिसको आज आजाद कश्मीर कहा जाता है, हमारा कश्मीर, भारत का कश्मीर, उस कश्मीर के बिना भारत अधूरा है, पूरा नहीं हो सकता, और वह संकल्प अभी भी हमारे दिल में है कि उसको कभी न कभी वापस लेंगे। अगर ये मामला भी सरदार पटेल के हाथों होता तो युद्ध विराम नहीं होता, एक एक इंच जमीन भारत की होती, एक एक इंच जमीन भारत की होती, लेकिन सरदार पटेल जी कितनी होता। उन्होंने जिस ढंग से किया वाद होते तो भारत के गृह मंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में सचमुच में लोग अत्याचार अन्याय के सामने कभी झुके नहीं, रुके नहीं, टूट के उसको खत्म करके दम दिया। उनने गुलामी के जमाने की ब्यूरोक्रेसी को लोक सेवा के रूप में आजाद भारत में परिवर्तित कर दिया, लोक सेवा के रूप में परिवर्तित। आज हम गदगद है, आनंदित है, वर्षों तक उनके योगदान को कभी याद नहीं किया गया। इस देश का दुर्भाग्य था कि एक खानदान में पूरा श्रेय दिया जाता था, भारत को आजादी हमने दिलाई। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का कार्य सराहनीय है, उन्होंने 563 विरासतों को एक करने का काम किया। आज एक ऐसी विभूति के लिए हम स्मरण करने बैठे हैं जिनके कारण से हम ये मान के चले लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद वो अवसर आया था जो भारत अपना एक अलग रूप दिखा करके एक लंबे संघर्ष के बाद कोई अपनी बड़ी मुकाम हासिल करने जा रहा था, लेकिन कुटिल अंग्रेज सदैव इन सारी घटनाओं में पहले से दूर का देखते हैं और वो हमको उस स्थिति में ले जाके खड़ा कर रहे थे।
जब उन्होंने कहा कि भाई 562 रियासतें छोड़ तो रहे हैं, लेकिन इन छोड़ने के बाद हम वापस इनको स्वतंत्र कर रहे हैं, या भारत में मिले या पाकिस्तान में। ये उसी प्रकार का षड्यंत्र का हिस्सा है, जो सदैव शासन की व्यवस्थाओं में जब शासन के सूत्र उन्होंने संभाले तब से उन्होंने चालू किया था। और कोई एक घटनाक्रम नहीं है, हमको मालूम है अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन नजदीक से देखें तो वो 17 में माननीय महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए, लेकिन उनका अपना जीवन एक तरह से 18 के बाद बदल जाता है। पूरा जीवन जिस प्रकार से उन्होंने महात्मा गांधी जी का वो जो प्रयोग जिसमें जनता का सहयोग लेकर के बड़े से बड़े एक तरह से निर्णय के खिलाफ समाज को खड़ा करके अपने आप में विजय हासिल कर लेते, ये निर्णय हमने तब भी देखा जब अपने को मालूम है कि चारों रियासतों का मैं उल्लेख नहीं करूंगा, समय की कमी है। आज का ये कार्यक्रम सचमुच में सरदार वल्लभ भाई पटेल के उन कार्यों के प्रति जिन्होंने पूरे जीवन भर आजादी के आंदोलन में संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद आजादी के बाद के जो उनके साहस का परिचय के रूप में देखे जाते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में देखे जाते हैं, उन कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और वह तीर्थ जहां पर एक बड़ी प्रतिमा उनकी लगी है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में जो विश्व प्रसिद्ध है और भारत के लोगों के लिए तीर्थ दर्शन जैसा है, मैं आज वहां से जो विद्यार्थी केवड़िया से दर्शन करके यहाँ पर आए हैं, उन्होंने इस महापुरुष के स्टेच्यू को देखा है और उनसे प्रेरणा लेकर के मैं समझता हूं कि भारत भूमि की वो सुगंध है, गंध है, उस गंध का वो विद्यार्थी गंध को। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.